लाहौल स्पीति स्टूडेंट एसोसिएशन आज का नहीं बना है, ये सन 1972 में बनाया गया था और इसकी सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेल मिलाप अपनापन रखने के लिए, वहाँ की संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारे बच्चे ना केवल सोलन में बल्कि हमीरपुर है या धर्मशाला, चंडीगढ़, दिल्ली, हर जगह कुल्लू में ये कार्यक्रम मनाए जाते हैं और ये एकता का हमारा एक प्रतीक है और हमारे जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं और उनकी जो संस्कृति है और उनका धर्म है, हमारा सारा वेशभूषा है, उसको जीवित रखने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम ये लोग बनाते हैं। तो इसमें एक अपनापन और एक किसी को कोई ज़रूरत होती है, कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसमें भी हम साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये हमारा इनर हिमालयन रीजन है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, भरमौर, पांगी, तो बच्चे आज सभी जगह से आए हुए हैं यहाँ पे और ये अपनापन दर्शाते हैं और ख़ास तौर से इसमें ये है कि तिब्बत की सीमा पर हम लोग ही रहते हैं और वहाँ ऐसे दूर दराज दुर्गम क्षेत्र में रहने की वजह से हमको दिखते परेशानियाँ भी बहुत आती है। पीछे कांग्रेस की सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने भी और हमारे अपना राज्य सरकार ने भी काफ़ी अलग से रिजर्वेशंस और कई चीज़ों में मदद मिलती है। वहाँ पे हमारा जैसे जीवन है उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और रहना, वहाँ पे रहने के लिए और वहाँ की ट्रांसमिशन लाइन है या हमारे वहाँ पे और जितने भी विकास के कार्य हैं उसमें हमको अलग से ट्राइबल सप्लान का बजट मिलता है। तो बच्चे हमारा एक कल का, हमारा बच्चे हमारे कल हैं, तो उस वजह से मैं समझता हूँ इनको जितना संजोग के रखेंगे, एकता रहेगी हमारी, तो वो हमारी भारत की सीमा में भी एक वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा, तो पहले की तरह प्लान नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगी और हमारी सीमा वहाँ पे दर्शाता रहेगा। ठीक है जी।